गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो लोग ज्यादा पोर्न वीडियोस देखते हैं, उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है। सभी लोगों को पता होगा कि आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिन भर के काम के बाद हर कोई बहुत ज्यादा थक जाता है। दोस्तों, बस इसी थकान को दूर करने के लिए बहुत से लोग पोर्न वेबसाइट पर जाकर पोर्न वीडियोस देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से उन्हें संतुष्टि होती है, उनको वो तो मिल जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से उनकी सेहत पर बेहद ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो आइए आज हम जानते हैं उन्हीं बेहद ज्यादा बुरे असर के बारे में। देखिए दोस्तों, दरअसल जब आप पोर्न वेबसाइट पर जाकर के पोर्न वीडियोस को देखते हैं, तो ऐसा करने से आपके शरीर की जो स्पर्म होता है वो बिना किसी वजह के निकल जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके स्पर्म की एक बूंद कितनी ज्यादा आपके लिए दोस्तों लाभदायक हो सकती है। पुरुषों की सारी एनर्जी उनके स्पर्म में ही होती है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप अपना स्पर्म बार बार पोर्न वीडियो देख करके निकाल देते हैं, ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं, ऐसा करने से आप शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। दोस्तों, इसका असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब आप बार बार हस्त मैथुन करते हैं तो आप अपने साथी के साथ उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जितनी कि आपको देनी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपका सारा जो सेक्स करने का मन होता है वो आप अकेले ही पूरा कर लेते हैं। आप अपने साथी की कमी को खुद ही दूर कर देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आप बेड पर अपने साथी को, अपने पार्टनर को पूरे तरीके से यौन संतुष्टि, यौन तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, इसी का असर आपकी सेहत पर किस तरीके से पड़ता है? आप पूरे अंदरूनी तरीके से कमजोर हो जाते हैं, आपकी सेक्स पावर जो है धीरे धीरे कम हो जाती है, सेक्स टाइमिंग कम हो जाती है। ऐसे लोगों को दोस्तों ज्यादा शीघ्र पतन की प्रॉब्लम रहने लगती है। प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की वजह से जब आप धात रोग के शिकार हो जाते हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी वीर्य का निकल जाना, आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसकी नसें इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है। यदि आपका हल्का सा भी कपड़ा भी अगर आपके निजी अंग पर लग जाए तो दोस्तों आपका स्पर्म तुरंत निकल जाता है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी पोर्न वीडियो नहीं देखनी चाहिए। जब भी आपका मन करे तो आप सेक्स कीजिएगा, सेक्स आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन दोस्तों आपको बार बार हस्त मैथुन नहीं करनी है। देखिए, यदि आप टीनेजर्स हैं तो आप हस्त मैथुन को अपना लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनके लिए भी, टीनेजर्स के लिए भी दोस्तों बहुत ज्यादा ही साइड इफेक्ट वाला हो सकता है। आप यदि दिन में 4 से 5 दफा हस्त मैथुन करते हैं, 2 से 3 बार हस्त मैथुन करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा ये हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, आप कोशिश ये रखिए कि आप हस्त मैथुन को छोड़ दीजिए, पोर्न वेबसाइट पर जाना छोड़ दीजिए। ये आपके जो फिजिकली और मेंटली दोस्तों दोनों तरीके से आपके लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इसकी जगह दोस्तों आपके मन में बुरे बुरे विकार आते हैं, तो आप दोस्तों इसकी जगह पर, अच्छी जगह पर ध्यान लगाइए। अपने साथी से हो सके तो बात करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी और आपके साथी की दोनों की हेल्थ बनी रहती है, आपका रिलेशनशिप जो है लॉन्ग चलता है। तो दोस्तों, आज की यदि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, हमारे अगर आपको विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया।